जुगनी काफ़ी लोगों ने देखी, मिस्टर विशाल भारद्वाज ने देखी जब म्यूज़िक लॉन्च के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि उनको फिल्म बड़ी अच्छी लगी और बहुत से लोग हैं जिनको सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक माय मदर थिंक्स इट्स गोइंग टू बी गुड, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नए लोगों का इनपुट है इसमें, काफ़ी नए लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब ऑफ देम आर क्वाइट सीनियर और काफ़ी मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, जो डायरेक्टर हैं क्लिंटन सरेजो, बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर हैं और अरेंजर हैं, और मैं इनके लिए आया हूँ और पहली बार इन्होंने स्कोर किया है, बहुत अच्छा गाते हैं, मैं वेरी होपफुल कि एक नई चीज़ एक अच्छी अच्छा एक अटैक होगा इसमें। आपको ठीक सामने देखा सामने जी, बिल्कुल ठीक है, फिल्म जुगनी आ रही है आपकी फिल्म में, तो हमें जुगनी का मतलब अगर आप व्यूअर्स को बता सकें, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जुगनी? देखिए जुगनी का मतलब मेरे लिए तो एक मेटाफर है, ठीक है, क्योंकि जुगनी मेरे लिए एक जर्नी है, एक मेमोरी है, और जुगनी ऐसा गाना जो बचपन में सुनते हुए बड़ा हुआ, तो मेरे लिए जुगनी एनलाइटमेंट के आसपास समथिंग यू गो बियॉन्ड स्पेस जुगनी। या मैं प्ले कर रहा हूँ मस्ताना, नाम उसका मस्ती से भरा हुआ है, एक रूरल रॉक सिंगर है वहाँ पंजाब का, उसको लगता है वो देसी रॉक स्टार है अपने छोटे से फील्ड का, उससे बेहतरीन कोई नहीं गाता है, पर ऑन द अदर नोट आई फील इज अ होप फॉर लॉट ऑफ सिंगर्स, स्मॉल टाउन सिंगर्स इन पंजाब सिटीज, जो बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ कर सकते हैं। अभी फिल्म भाई जानने को आ रही है, मैं एक गाऊँगा देखने आए, दोस्तों को लेके आए, घर वालों को लेके आए, एक हमारी डायरेक्टर हैं शेफाली भूषण जो फिल्म की, उन्होंने एक बहुत शी हैज क्रिएटेड वंडरलैंड, अ म्यूजिकल वंडरलैंड, सो प्लीज़ कम एंड मीट मस्ताना, रवि, प्रीतो एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड आर देयर। Pleasure having so many amazing singers on the album. People like Vishal Bharadwaj, Rekha ji, and literally everybody who's contributed to the album. Javed Bashir saab, Rahat saab, Neha Kakkar ne bhi gaya hai, Akash Aziz, Bianca Gomes, aur main. So I think it's a treat for vocal, for people who love vocals, and generally for me it's my most honest work, one of my most revealing albums so far. Come on,
के मैं घर का जरा दे watch and see the music actually, because
प्रॉपर फिल्म में ही म्यूजिक है अच्छे से कंबाइन किया हुआ है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द म्यूजिक एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो देयर इन द फिल्म, मतलब जिन्होंने गाया है नकाश अजीज, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी एंड वी लिसन हिज सॉन्ग। अभी हम लोग दो एल्बम पे काम कर रहे हैं, हम जस्ट एक बॉलीवुड अनवाइंड करके एक एल्बम रिलीज किया जिसमें वी अनवाइंड ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स अगेन बैक इन द फ्यूचर, तो बहुत अच्छा एक पूरा प्रोजेक्ट था। किशोदा का एक बहुत ही प्यारा गाना मैंने वापस एक बार उसको प्रोड्यूस किया एंड वी आर वर्किंग ऑन सम अदर एल्बम आल्सो। मैंने इसमें गाना नहीं गाया लेकिन क्लिंटन सेरेजो जो है म्यूजिक डायरेक्टर उनके मेरा खास दोस्त है और आई स्टार्टेड माय करियर सिंगिंग फॉर क्लिंटन फॉर एड्स, ऑफकोर्स आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क इन फिल्म्स। क्लिंटन सेरेजो जो है उनके म्यूजिक डायरेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स इन द कंट्री, इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आई थिंक। Clinton Cerejo is one of the most underrated music directors in the country and I think with this film, I have a feeling he'll get into the mainstream, a lot of people get to know about how talented he really is. The gaana bhi gaya hai.